वेलकम बैक गाइस टू वन मोर एक्साइटिंग ब्लॉक ऑफ ट्रेवलिशियस सोल। और अभी भी मैं लाइक सेम प्लेस पे ही हूँ, शिमला में। एंड मैं जिस जगह आ चुका हूँ दैट इज़ योर लक्कड़ बाज़ार, जो मालोड से भी ऊपर है। तो गाइस चलो करते हैं इस जगह को एक्सप्लोर। सो गाइस, लक्कड़ बाज़ार में आपको मेनली देखोगे आप हैंडीक्राफ्ट्स और वुडन वर्क की शॉप्स मिलेंगी। जो स्टॉल्स होते हैं मैक्सिमम वो मिलेंगे इसमें। लाइक जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी उनमें पूरा वुड का लाइक काम होगा। तो ऑल दिस स्टफ विच आर मेड फ्रॉम लाइक वुड वो सब अवेलेबल होंगे यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हो, दीज आर ट्रीज प्लेट्स एंड लाइक इनफैक्ट जो ग्लासेस है वो भी प्रॉपर लाइक पूरे वुड के हैं। ऊपर आप देखोगे तो यू विल फाइंड क्लॉक, ठीक है, ये भी वुड की है। तो देर आर एन नंबर ऑफ लाइक होम डेकोर थिंग्स दैट आर लाइक मेड फ्राम वुड्स। एंड प्रॉपर जो पूरा डाइनिंग सेट है ना आपको वो भी लाइक प्रॉपर वुड का मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर डाइनिंग सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर्स होते हैं जो लाइक चीनी वो सब स्टफ़ रखने के लिए, बाउल्स, ये भी प्रॉपर वुड का है, ट्रे भी है। सो लाइक ईच एंड एवरी स्टफ इज़ मेड फ्राम वुड ओवर हेयर। दैट इज़ वाई जो इसका नाम है इसको लक्कड़ बाज़ार बोलते हैं। ऊपर आप फ़ोटो फ्रेम्स भी देखोगे अगर तो वो भी आपको प्रॉपर वुड के मिलेंगे। ये गणेश भगवान जी का एक काइंड ऑफ वुड से बना हुआ है, देखो कितना प्यारा इसमें। एंड लाइक द कम्प्लीट वर्क इज़ डन फ्रॉम हैंड, तो दैट इज़ वाई इसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप कॉफ़ी मग और टी कप्स आपको मिलेंगे, दैट टू लाइक इज़ वुडन एंड मेड फ्राम वुड। अपार्ट फ्राम दैट यहाँ पे आप काइंड ऑफ पिगी बैग्स देखोगे, गुल्लक जिसको हम बोलते हैं, वो भी वुड के हैं। एंड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जो वुडन फिनिश है, ये होता है जिसमें हम बुक्स रखते हैं, जैसे काइंड ऑफ हमारी जो गीता भगवद गीता होती है वो रख के पढ़ सकते हैं, वो भी वुड का है। एंड देर आर अन नंबर ऑफ थिंग्स गाइज। तो कुछ हुक्का भी है, ये अब देखोगे छोटा सा हुक्का है। तो अब इट्स अ शो पीस या वर्किंग है, बट ये भी वुडन फिनिश में है। पॉट्स देखोगे आप, वाज देखोगे आप, तो वो भी प्रॉपर वुडन की है। और बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पे आप मिरर्स देखोगे तो इसमें भी प्रॉपर वुडन का वर्क किया गया है। सो गाइस टेक अ लुक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, वुडन का है, प्रॉपर वुडन का है। आप बुद्धा देखोगे यहाँ पर, लॉर्ड बुद्धा है, गणेश भगवान जी है, तो जितने भी लाइक गॉड गॉडेस है सब प्रॉपर लाइक वुडन है। ये आप एम्बलम देखोगे, जो अपना इंडिया का एम्बलम है वो भी लाइक वुडन फिनिश में है यहाँ पे। तो ईच एंड एवरीथिंग लाइक जो भी है सब आपको प्रॉपर लाइक वुडन फिनिश में मिलेगा। ये कुछ रैक्स है इस साइड, रैक्स देखोगे आप, दैट टू लाइक आर ऑल्सो मेड फ्राम वुड, वेरी नाइस। यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो आपको स्टूल दिखाई देंगे। सो गाइस ये भी वुड से ही आपके प्रॉपर बने हुए हैं। एंड अगर हम और अंदर चले तो ये भी आई गेस हुक्का ही है, ये भी देखोगे आप वुड के बने हुए हैं। और यहाँ पे मिरर है, छोटे मिरर वुड के हैं, दैट टू लाइक ईच एंड एवरी स्टफ इज़ मेड फ्रॉम वुड। सेकंड थिंग इज़ दैट सब कुछ हैंडीक्राफ्ट है, मशीन का यूज़ नहीं हुआ है, हैंड से बने हैं, हैंड का यूज़ हुआ है। तो बहुत अच्छा स्टफ़ है इनके पास गाइस। और यहाँ पे आप देखोगे तो डेकोर के लिए लाइक ये डियर का जो होता है ये सब देखोगे, सामने जितने भी है एवरीथिंग इज़ लाइक मेड फ्रॉम वुड गॉडेस। यहाँ पे एक देखोगे आप क्लॉक है, वॉल क्लॉक गिटार के शेप में, उसकी भी पूरी फ्रेमिंग वुड से हुई है। सो गाइस बहुत अच्छा स्टफ़ है, एक बार देखो टेक अ लुक। एंड आई गेस कभी भी आप अगर आते हो शिमला तो लक्कड़ बाज़ार, ये मॉल रोड थोड़ा सा और ऊपर पड़ता है, लक्कड़ बाज़ार इज़ द टॉपेस्ट पॉइंट, वैसे हर जगह पे मॉल रोड होता है। तो यहाँ पे शिमला में लक्कड़ बाज़ार है, ऊपर भी आई गेस स्टेयर्स जा रही हैं तो ऊपर भी कुछ होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ अगर ऊपर कुछ है तो गाइस मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो जो वेलकम का टैग होता है कुछ हैंग करने के लिए, वो भी वुड का है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है गाइस। तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ मेड फ्राम लाइक वुड ओवर हेयर। ये भी आप देखोगे नीचे गिटार पड़ा हुआ है, ये भी वुड का है, पूरा वुड का काम है गाइस। ये क्या है बड़ा सा, आई डोंट नो, ये आप देखोगे तो ये भी प्रॉपर वुड फिनिश में ही है। सो गाइस अच्छी चीज़ है लाइक इनफैक्ट आप ये साइकिल भी देख रहे हो, इसको ब्लैक पेंट किया गया है, इसमें पूरा वुडन का काम हुआ है गाइस। तो इट्स अ गुड
थिंक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। लक्कड़ बाज़ार मतलब जो नाम रखा है वो गलत नहीं रखा गया इस मार्केट का। तो इस साइड भी कुछ स्टफ़ है, ऊपर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स है गए, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक देखोगे बहुत अच्छा एक लाइक पेंटिंग है, वो भी वुडन के पूरे कैनवस में पेंट करके बनी हुई है। सो बहुत एक अच्छा है यहाँ पे जो भी है। सो चलते हैं गाइस और देखते हैं इस मार्केट में क्या है। सो गाइस मैंने नाम दिखा दिया आपको शॉप का, द नेम ऑफ द शॉप इज़ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और काफ़ी टाइम पुरानी ये शॉप है गाइस। और अगर आप आगे चलोगे तो ई टेबल्स मिलेंगे 90% आपको यहाँ पे, लाइक लक्कड़ बाज़ार है तो लकड़ी की शॉप मिलेंगी, लकड़ी के शोरूम्स मिलेंगे छोटे बड़े, जैसे ये देख रहे हो आप, इसमें भी पूरा लाइक लकड़ी का स्टफ है गाइस। तो लकड़ी के आपको लाइक वुड के जो वर्क होता है उसके काफ़ी आपको स्टफ़ मिलेगा। इस साइड चलता हूँ गाइस, इस साइड भी शॉप्स हैं। तो इस साइड आप देखोगे यहाँ पे भी यही सेम है, हर जगह छोटे बड़े आपको वैसे ही वुड के स्टफ़ मिलेंगे एंड डिफरेंट मिलेंगे हर जगह गाइस। तो अभी मैं जिस शॉप पे गया था दैट वाज द बिगेस्ट शॉप, आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या गाइस। सो गाइस लक्कड़ बाज़ार की एंट्रेंस जब आप आओगे ना या एग्जिट बोल लो तो वहाँ पे आपको घोड़े खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इट्स अबाउट लाइक हॉर्स राइड, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, आप हॉर्स राइड कर सकते हो। ये कोई शादी बारात के घोड़े नहीं है एंड बहुत अच्छी क्वान्टिटी में है एंड काफ़ी लोग राइड लेते हैं। एंड जो प्राइस है ये आप देखोगे लाइन से आएगी 10-15 घोड़े खड़े हुए हैं एंड इसका प्राइस है, एक बार हम लोग वो पूछ लेते कि इसका प्राइस क्या है। भैया कितना चार्ज करते हो, कितना चार्ज करते हो? 70 रुपये बड़े का 100 रुपये। और कितना कितना देर की राइड होती है? अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। सो जो इसके प्राइसिंग है, जो एक घोड़े की राइड है 70 रुपीज़ है छोटे घोड़े के, और बड़ा घोड़ा भी होता है इसमें, बड़े घोड़े की है आपकी 150 रुपीज़। सो गाइस इस साइड आप और देखोगे, इस साइड अगर मैं आता हूँ तो आपको बहुत अच्छा एक म्यूज़िकल फाउंटेन है, म्यूज़िक भी है, म्यूज़िकल फाउंटेन देखने को मिलेगा गाइस विथ चेंजिंग कलर्स। अभी पता नहीं मेरे आती क्यों इसके कलर बंद हो गए, फाउंटेन बंद हो गया गाइस, नहीं स्टार्ट हो चुका है वापस। यहाँ देखोगे आप तो बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है, मैं आपको इस साइड से एक बार दिखाता हूँ गाइस तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ ऊपर महात्मा गांधी जी की का स्टैचू बना हुआ है एंड इस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे भी है एक फाउंटेन, वो देखोगे आप आगे भी चल रहा है। तो तीन फाउंटेन है, एक जो स्टैचू है उसके पास है और दो उसके अगल बगल है गाइस देखोगे। तो अगर मैं फ्रंट से इसका व्यू दिखाऊँगा एक बार तो और अच्छा आएगा गाइस। और आगे चलेंगे हम तो एक आगे बहुत अच्छी सी चीज़ है गाइस, अंधेरा काफ़ी हो चुका है स्टिल, ये देखोगे आप तो यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। तो ये इस पे लाइक काइंड ऑफ प्लेस पे चार चांद लगा रहा है एंड कोई भी फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है इस जगह पे, आप देख सकते हो फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है प्रॉपर, ये वॉकिंग पाथ है। और ये माल रोड नहीं है गाइस, ये माल रोड के भी लाइक थोड़ा सा ऊपर है। तो दिस इज़ आई गेस द टॉपेस्ट प्लेस। अब एक बार मैं यहाँ से आप लोग को उसका व्यू दिखाता हूँ गाइस, बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये है वो म्यूज़िकल फाउंटेन, बीच में महात्मा गांधी जी की हमारा स्टैचू है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है रात में, वाओ म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है। प्लस उसके बगल में आप जो ये देख रहे हो बिल्डिंग जिसमें वाइट कलर की विंडोज़ में लाइट जल रही, दैट इज़ योर लाइब्रेरी। ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी है जो हमारे शिमला की है एंड उसके एडजेसेंट में आप देखोगे तो दैट इज़ चर्च। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस साइड मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्लैग है, प्लस इस साइड आप देखोगे तो इस साइड नीचे आपको शिमला का बैक साइड का व्यू मिलेगा, ये पूरा व्यू पॉइंट है यहाँ पे। बट एज ऑफ नाउ इस टाइम पे कोई व्यू नहीं मिलेगा, क्लाउड बहुत नीचे है, अंधेरा बहुत हो चुका है, और बहुत नहीं हुआ है अंधेरा, थोड़ा हुआ है स्टार्टिंग है अभी अंधेरे की, बट लाइट्स अभी घरों की नहीं ऑन हुई गाइस इसलिए व्यू नहीं आएगा। सो गाइस बहुत सारे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स है, ये भी आप देखोगे हट एक सेल्फी पॉइंट है। प्लस यहाँ पे ये जो आप स्टैचू देखोगे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है एक एंड पे, इसके दो एंड है, हट फिर से देख लो, यू कैन टेक रेस्ट ओवर हेयर। और उस साइड पे आपको एक स्टैचू दिख रहा होगा, वो इंदिरा गांधी का स्टैचू है। प्लस इट्स अ सेल्फी पॉइंट तो आप यहाँ से सेल्फी भी ले सकते हो, बंदर महाराज भी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो आप इन बंदर को जब तक हार्म नहीं करोगे आपको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से आप देखोगे ना
तो पूरा तो शिमला नहीं बोलूँगा, बट हाँ अप्रॉक्स लाइक 40-50% शिमला कवर होगा, क्योंकि 40-50% उस साइड में, उस एंड में अपोजिट तरफ, तो काफ़ी हद तक शिमला दिखता है। प्लस शाम हो चुकी है तो थोड़ा ही व्यू आएगा आपको गाइस। काफ़ी टॉप पे है ये जो लक्कड़ बाज़ार वाला पॉइंट है, जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, चर्च है, तो वो आपका जो माल रोड है उससे भी ऊपर है गाइस। तो कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि माल रोड आके वापस चले जाओ, क्योंकि माल रोड से ऊपर भी आपका लाइक एक बाज़ार है, दैट इज़ लक्कड़ बाज़ार। गाइस थोड़ा और आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट मिलेगा। रेस्टोरेंट कम बाहर है ये, और इसका नाम है गुफा आशियाना। तो बहुत अच्छा अंदर से व्यू आएगा आपको, लाइक प्रॉपर शिमला का व्यू आएगा। तो दिस इज़ दैट रेस्टोरेंट, प्रॉपर ग्लास है इसके फोर वॉल्स में। सो आगे बढ़ते गाइस। तो जो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को दिखानी है इस व्लॉग में, वो है ये गाइस, ये देखो, ये आप देखोगे ना पूरा इंफ्रा, आपको आप ऐसा लगेगा कि आप कहीं ऑस्ट्रेलिया या किसी लंदन की स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे हो, इतना प्यारा इसका इंफ्रा है गाइस, देखो। प्लस ये जो लाइट्स है, कलर लाइट्स, तो दैट इज़ एडिंग अ स्पार्क टू दिस यू नो इंफ्रा। तो ये है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें आप अभी मैं आगे चलूँगा तो यहाँ पर जो लाइक यहाँ के मेयर है उनका रेजिडेंट है, प्लस उसके साथ में उनका ऑफिस भी है। तो आई डोंट नो आगे मेरे को शूट करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं देख लेता हूँ गाइस। तो ये भी उसी का ही पार्ट है, प्रॉपर नेम प्लेट उनकी लगी हुई है, एंड पुलिस एम्बुलेंस यहाँ पे 24/7 मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा गाइस ये। सो गाइस अब मेयर के घर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे उतरने का रास्ता, ये हाइट पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं लक्कड़ बाज़ार पर था, वो मॉल रोड के ऊपर है, वो धीरे धीरे उतर के नीचे आता है। तो ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये है प्रॉपर माल रोड बोल लो या आप लोग मॉल रोड बोल लो, और जिस पाथ पे मैं हूँ भी लक्कड़ बाज़ार के, वो नीचे उतर के सामने आप देखोगे मॉल रोड में जाके मिल जाता है गाइस। तो माल रोड का मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा, ये है माल रोड और बहुत आगे तक है ये, तो जहाँ पर लक्कड़ बाज़ार से आप आओगे ये जो लैंड करेगा वो रास्ता है ये गाइस। तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं माल रोड पर ही मिल जाता है, और यहाँ की माल रोड काफ़ी बड़ी है कंपैरेटिवली, और जो आपके अभी तक मैंने घूमी है नैनीताल और मसूरी की माल रोड गाइस। सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम लक्कड़ बाज़ार, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, होप आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा और काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा लक्कड़ बाज़ार के बारे में। अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल भी फेस पर रोशनी नहीं पड़ रही गाइस। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़।